हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट सीरीज से। मतलब अल्फाबेट से दिया होगा तो आपको नेक्स्ट अल्फाबेट निकालना है। अल्फाबेट सीरीज जैसे इधर रखा आपको ए सी ई जी, तो व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। मतलब अल्फाबेट सीरीज में क्या होगा, आपको कुछ अल्फाबेट्स दे रखा है, 3 to 4 अल्फाबेट्स आपको देंगे और आपसे नेक्स्ट अल्फाबेट पूछे। तो यहां पे फर्स्ट रखा आपको ए, सेकंड रखा आपको सी, थर्ड रखा आपको ई एंड फोर्थ रखा आपको जी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पूरा एबीसीडी जेड तक पता होना चाहिए। तो नाउ अज्यूमिंग दैट कि आपको ऑब्वियसली पता है वो चीज, तो ए सी ई जी। अब यहां पे देखो ए टू सी, अभी आपको गैप काउंट करना है। तो ए टू सी गैप कितना है, यहाँ पे आपने कितना छोड़ा, केवल आपने बी को छोड़ा है। इसका मतलब ए टू सी, जब आपने बी को छोड़ा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपने एक टर्म छोड़ा बी। सी टू ई, यदि आप चाहो तो इसको एक लिखो। आप ये भी कर सकते हो कि जो सी है वो ए से टू टर्म्स के बाद आ रहा है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन क्या कर रहा हूं, मैंने ए टू सी, मैंने आपको स्टार्टिंग में, मैं आपको एक बार से एक्सप्लेन करता हूं, किसी भी सीरीज वाले क्वेश्चन में आप तीन टर्म्स में जो भी लॉजिक अप्लाई करोगे आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। मतलब कोई भी एग्जांपल हो, कैसा भी हो, आप अपने हिसाब से कोई भी लॉजिक, कोई भी सीक्वेंस, कोई भी सम, कुछ भी हो, कैसा भी हो, आप थ्री टर्म्स में उसको अप्लाई करो, आपका फोर्थ वन आपसे जो पूछा गया है वो आपका आंसर जरूर सही होगा। जैसे मैंने अभी लिखा कि ए टू सी, मैंने बीच में कितने छोड़े, मैंने केवल एक छोड़ा ना, दैट इज बी। तो C टू E मैंने कितने छोड़े, मैंने फिर से केवल एक ही छोड़ा है, दैट इज D। मैंने E टू G, E टू G कितना आएगा हमारा, E F G, मतलब मैंने केवल एक ही छोड़ा, दैट इज F। तो इसका मतलब G टू आगे जब भी जाऊंगा तो केवल एक छोड़ूंगा, तो G के बाद क्या आता है, G H I, इसका मतलब H को छोड़ा तो वैल्यू कितना है इसके इसमें I। तो मैंने पूछा आपसे व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, तो आंसर कितना है इसमें I हो जाएगा। अभी सेम इन दिस केस, यदि आपके सामने केवल दो ही अल्फाबेट्स हैं और आपने सोचा कि मैं कोई भी टर्म को दो अल्फाबेट्स में अप्लाई कर दूं तो आपका आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे यहां पे लिखा है हमारा, फर्स्ट वन रखा आपको ए, उसके बाद रखा है मैंने बी और मैंने ए बी लिखा है। अभी बताओ, ऑब्वियसली ए बी लिखा हुआ है तो फीलिंग क्या आता है कि सर ए बी उसके बाद सी आना चाहिए, मतलब ए लिखा है बी लिखा है तो उसके बाद क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। लेकिन नहीं भाई, जब तक दो तीन टर्म डिफाइन नहीं होगा आप कैसे बोल सकते हो। मतलब मैं सोच रहा था कि पहले मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, फिर मैं एक छोड़ूंगा, फिर मैं दो छोड़ूंगा, फिर मैं तीन छोड़ूंगा, या फिर मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, तो सीरीज तो मैं खुद से डिफाइन करूंगा ना। तो इसका मतलब आप कहीं से भी किसी भी सीरीज में कोई से भी तीन टर्म्स को उठाओ और उसको डिफाइन कर दो। जैसे ए बी ए, यदि मैंने अगला सी लिखा है या फिर मैंने ए देन बी और उसके बाद डी लिखा है, सीरीज दो है आपके पास। सपोज करो मैंने लिखा है ए बी सी, आगे लिखा मैंने डी, तो ऑब्वियसली अगला पूछ लिया, मैंने लिखा आपसे यहां पे ए फिर बी फिर उसके बाद जी, मैंने लिखा आपसे ए बी डी जी। अब आपके सामने दो सीरीज है, अभी देखा आपने स्टार्ट तो मैंने दोनों को ए बी सी किया है ना, तो सबसे पहले क्या है मेरा ए बी सी डी, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, तो ऑब्वियसली यहां पे एक भी नहीं छोड़ा, एक भी नहीं छोड़ा, एक भी नहीं, एक भी नहीं, तो ऑब्वियसली ऊपर वाली सीरीज में नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा, ई। यहां पे बात करूं तो मैंने एक भी नहीं छोड़ा, बी सी एक छोड़ा, उसके बाद ई एफ, बीच में दो का गैप है, तो ऑब्वियसली जो अगला आएगा तो गैप कितना होना चाहिए, तीन होना चाहिए। तो जी के बाद कौन सा आएगा, आप चौथा लिख के देख सकते हो, दिस वन इज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो सबसे पहले ए था, फर्स्ट वन इज ए, उसके बाद सेकंड टर्म क्या निकल के आया, बी, मतलब मैंने एक भी गैप नहीं छोड़ा, उसके बाद क्या लिखा है, डी, मतलब एक छोड़ा है डी, उसके बाद मैंने ई एफ, मैंने दो छोड़ दिए, तो नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा, जी, तो ऑब्वियसली मैं उसके बाद अगला क्या छोड़ूंगा, तीन छोड़ूंगा, मैंने तीन छोड़ा तो तीन कौन सा आएगा हमारा, एच आई जे, तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया इसके इसमें, की। तो बाय द वे इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप थ्री टर्म्स को डिफाइन करो और जैसे भी थ्री टर्म्स डिफाइन हो रहा है आप अपना आंसर आराम से निकाल सकते हो। सपोज करो यदि मैं स्टार्ट करता, यदि मैं स्टार्ट करता से सी से, सबसे पहले मैंने लिखा है यहां पे सी, उसके बाद मैंने दो टर्म छोड़े, सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया सी, मैंने दो टर्म छोड़े, उसके बाद सेलेक्ट किया एफ, तो यदि मैं फर्स्ट टर्म को डिफाइन कर रहा हूं सी, सेकंड टर्म लिया मैंने इस केस में एफ, उसके बाद मैंने तीन टर्म्स छोड़ के मैंने यहां पे क्या लिया जे, तो ऑब्वियसली आपको कोई भी सीरीज डिफाइन करना है
तो आप थ्री टर्म्स में डिफाइन करोगे ही करोगे. जैसे सबसे पहले मैंने दो छोड़ा है, तीन छोड़ा है, उसके बाद ऑब्वियसली क्या छोड़ना पड़ेगा, चार. तो के एल एम एन तो आंसर इतना है इसमें, ओ हो जाएगा. अब इस टाइप की सीरीज में जो सिंगल सिंगल वर्ड का था, मैं डबल डबल करके भी कर सकता हूं. डबल डबल कैसे, अभी जैसे यहां पे देखो, सबसे पहले यहां पे क्या लिखा हुआ है, दिस वन इज एक सीरीज डिफाइन किया मैंने यहां पे ए बी. ए बी के बाद मैंने क्या लिखा यहां पे, दिस वन इज डी डी. सबसे पहले क्या लिखा मैंने यहां पे ए बी, उसके बाद मैंने क्या लिखा यहां पे, सबसे लिखा मैंने ए बी, उसके बाद क्या लिखा मैंने डी डी, उसके बाद मैंने यहां पे क्या लिखा से, दिस वन इज सी जी. क्लियर. सबसे पहले लिखा मैंने ए बी, उसके बाद लिखा मैंने बी डी, उसके बाद लिखा मैंने सी जी. तो अब मैंने पूछा आपसे व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, तो ऑब्वियसली कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपके दो दो टर्म्स को मैं एक साथ लेके चल रहा हूं. तो सबसे पहले इस ए के अकॉर्डिंग, तो दिस वन इज ए के अकॉर्डिंग, बी के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टर्म लिखोगे तो नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा, डी. और सेकंड सीरीज में इस वाले बी के अकॉर्डिंग, डी के अकॉर्डिंग, जी के अकॉर्डिंग यहां से लिखोगे तो ऑब्वियसली बी डी जी के अकॉर्डिंग लिखोगे. अभी देखो ये सीरीज था मेरा एबीबीजी, तो बीबीजी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, मैंने क्या बोला कोई भी सीरीज डिफाइन करना है तीन टर्म्स लिख लो. आप इसमें चार टर्म दे रखा था, आप बीबीजी तीन टर्म ले लो, आप जी को छोड़ दो लगातार एबीडी लर्न लो, तो जो भी सीक्वेंस इन तीन टर्म्स लोगे आंसर आएगा. तो मैंने बीडीजी को लिया, तो देखो बी के बाद एक छोड़ा तो डी, सेम यहां पे बी के बाद डी का मतलब क्या है, बी के बाद डी का मतलब क्या है, एक का गैप सी छोड़ा है ना, डी के बाद जी का मतलब क्या है, ई एफ दो का गैप, एंड जी के बाद क्या आएगा ऑब्वियसली तीन का गैप, तो तीन का गैप का मतलब क्या आएगा, जी के बाद एच आई जे, तो ऑब्वियसली आंसर कितना है इसके इसमें के. तो ए बी बी डी सी जी, तो फाइनली आंसर कितना है इसके इसमें डी के. क्लियर, थैंक यू.